सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल FJP व्लॉग्स। सो गाइस, मैंने और एक माइक परचेस किया है, जो मेरा पहला वाला माइक था माउनो का AU400 वाला। उसमें सीन क्या हो रहा था एक्चुअली, जब भी मैं राइट कर रहा था, जो फुटेजेस रिकॉर्ड हो रहा था उसमें जो ऑडियो था वो पूरा फट रहा था। एंड मैं यहाँ पे स्क्रीन में छोटा सा शॉर्ट 4-5 सेकेंड का फुटेज यहाँ पे शेयर कर दूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। जो आज का वेदर है वो काफी अच्छा हुआ था, बट ऐसा मतलब सलो में ऐसा हो रखा है वेदर अभी, सुबह के टाइम में बहुत ही धूप मतलब सनी डे रहता है। सो गाइस, इसी के कारण मैंने जो अपना माउनो AU400 वाला माइक था उसे मैंने रिटर्न कर दिया है। एंड आई बॉट ए न्यू माइक फॉर माई GoPro Hero 8, विच इज बोया BY-M1। गाइस, जो 90% जो मोटो व्लॉगर है वो यही वाला माइक यूज करते हैं। सो गाइस, अभी इसको फटाफट खोलते हैं एंड इसका ऑडियो टेस्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा बोया का BY-M1 वाला माइक, अभी इसको निकालते हैं। सो गाइस, इसके साथ मिलता है बोया का स्टिकर, ये वाला मैनुअल बुक एंड वारंटी कार्ड। तो गाइस, ये रहा बोया का माइक एंड इसका लेंथ आप देख सकते हैं वायर का 20 फीट। सो इसके साथ मिलता है एक बैटरी क्लिप एंड ये नॉइस कैंसिल करने के लिए इसका स्पॉन्ज यहाँ पे डालने के लिए, एंड ये रहा कन्वर्टर। सो गाइस, अभी इसमें बैटरी डालते हैं एंड आई कैच यू गाइस ऑन द रोड। सो हेलो गाइस, अभी मैं कर रहा हूँ अपना ऑडियो टेस्ट, अपना माइक का टेस्ट, जो कि है बोया BY-M1। एंड ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया लाइक अभी ऑडियो कैसा मिल रहा है आप लोगों को, लाइक पहले जैसा ही मिल रहा है, जो क्रैक वाला वो फटने वाला मिल रहा है या फिर अभी अच्छा मिल रहा है, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। वो तो अभी घर जाके एडिट करने के टाइम पे ही पता चलेगा लाइक इसका ऑडियो मुझे कैसा मिल रहा है। आई होप अच्छा ही मिल रहा है, बिकॉज जो ये बोया का माइक है उसको मैंने अपने ऑप्शन में लास्ट में रखा था, लाइक कुछ भी जुगाड़ काम नहीं किया तो आई एम गोना बाय दिस माइक। सो ये मेरा लास्ट होप है। सो आई डोंट नो इसके बाद मैं कौन सा वाला माइक लूँगा, क्या करूँगा, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज यही मेरा लास्ट मेरा सेवियर है। इसको मैंने पहले क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसका जो आप लोगों को माइक खोल के दिखाया तब इसका आपने लेंथ देखा होगा माइक का, इतना बड़ा है, लाइक इट्स लाइक 20 फीट का माइक, एंड इसको इतना छोटा हेलमेट में एडजस्ट करना इट्स लाइक ए बिग टास्क। आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने माउनो का माइक के टाइम भी बताया था, आप लोग स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, यहाँ GoPro में स्वाइप डाउन करके आप लोगों को जाना होगा प्रेफरेंस में जाके वहाँ पे नीचे जाके आप लोगों को इनपुट आउटपुट का ऑप्शन मिलेगा, एंड वहाँ पे जाके आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा पावर्ड माइक, क्योंकि ये पावर वाला माइक है, बैटरी वाला। सो गाइस, अभी आई एम एट द स्पीड ऑफ 50 राइट नाउ, 60 पहुँच गया हूँ। सो अभी मैं अपना ऑन कर दिया है वाइजर हेलमेट का, सो लेट्स सी अभी माइक का ऑडियो कैसा आ रहा है। सो आई होप अच्छा ही आ रहा होगा। मेरा GoPro में लाइक मेरा जो सेटअप है उसमें माउनो का वॉक नहीं किया है, सो उसमें आवाज़ फट रहा था, जैसे मैंने आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाया। एंड मैं ये नहीं बोल रहा आप इसको मत खरीदिए माउनो का, मेरा सेटअप में वो नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं है आपका सेटअप में भी नहीं चलेगा, वो डिपेंड करता है दूसरा का मतलब सेटअप में वो वर्क किया था, इसलिए मैंने वो माइक खरीदा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे नहीं चला, आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ क्या। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो एंड आप टेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बोया का माइक जो है मुझे पड़ा 800 रुपीज़ का एंड वो था 390 रुपीज़ का,
सो अगर आपका सेटअप में वो माइक चलता है तो बहुत ही बढ़िया, आपका सस्ता में आपका काम चल जाएगा। सो मेरे में तो नहीं चला, सो आई बॉट दिस वन फॉर 800 रुपीज फ्लिपकार्ट में। सो गाइस अभी आ रहा है एक लंबा सा स्ट्रेच। सो गाइस अभी मुझे आइडिया ही नहीं है लाइक मुझे क्या बात करना है, लाइक आई हैव नो आइडिया, लिटरली नो आइडिया, बिकॉज जो व्लॉग वगैरह होता है वो स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। लाइक मैं पहले से अपना जो स्क्रिप्ट करके सोच के नहीं रखता हूँ कि लाइक मुझे यहाँ पे ऐसा करना है ऐसा बोलना है, लाइक पूरा स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। बट मेरा एक चीज़ रहता है कि मुझे क्या बात करना है, ये खाली मेरा व्लॉग में मैं प्रिपेयर करता हूँ लाइक मुझे क्या बात करना है। एंड फिलहाल अभी ये वाला रैंडमली मैं बात कर रहा हूँ, लाइक ऑन द स्पॉट जो मेरा मुंह में आ रहा है वही बात कर रहा हूँ। लाइक अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, जस्ट मैं रैंडमली आया था बाहर अपना ऑडियो टेस्ट करने, ये वाला माइक का टेस्ट करने के लिए। एंड गाइस आई एम एट द स्पीड ऑफ 70 राइट नाउ एंड आई डोंट नो माई आवाज़ कैसा आ रहा है, मैं इतना जोर से बात भी नहीं कर रहा हूँ, लाइक धीरे से भी बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक इट्स लाइक नॉर्मल, मैं नॉर्मल पिच में अपना ये वाला बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से रास्ता होता है ख़त्म एंड यहाँ से मैं अभी घुमा लेता हूँ, उसके बाद फिर से बात करेंगे। सो गाइस आगे पुलिस भी बैठा है बट दे आर डूइंग नथिंग, यहाँ पे बहुत सारा हेलमेट विदाउट हेलमेट लोग जा रहे हैं एंड दे आर डूइंग लिटरली नथिंग। मेरा अभी बैड लक चल रहा है क्योंकि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ लाइक अभी मैं दो जगह जा चुका हूँ एंड दो ही जगह बंद था, लाइक ब्लॉग करने के लिए मैं गया था, ब्लॉग बनाया भी बट वो जगह बंद था, लाइक आप सोच सकते हो, इसीलिए मेरा एक्सप्लोरिंग वाला व्लॉग नहीं आ रहा है। सो गाइस मैं अभी सीधा मिलता हूँ आप लोगों को घर पे। सो या गाइस बाय बाय। सो गाइस आई एम फाइनली होम एंड मैंने जैसे आया मैंने वीडियो चेक किया एंड इट वर्क्ड प्रीटी वेल गाइस, आई एम प्रीटी इम्प्रेस विद दिस माइक। एंड गाइस नॉट ओनली फॉर मोटो ब्लॉगिंग, आप व्लॉग भी करते हो तो आप इसको ले सकते हो, जस्ट इसका जो सेटिंग है, जो ये वाला सेटिंग है इसको खाली आप लोगों को ऑन ऑफ करना है, अगर आप GoPro वगैरह में यूज़ करते हो तो इसको कैमरा के इसको ऊपर करना पड़ेगा एंड स्मार्टफोन के लिए इसको नीचे करना पड़ेगा। सो इतना ही आप लोगों को सेटिंग करना है। सो या गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू गाइस अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।